हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्रेजेंटेड बाय एग्जाम्पलर क्लासेस। और आप देख रहे हैं क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स, और आज है पहला चैप्टर रियल नंबर। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आने वाले वीडियोस हैं वो किस किस बुक से स्पेसिफिक हो सकते हैं। वी आर गोइंग टू फॉलो द थ्री बुक्स, दैट्स आर स्ट्रेटजी, द फर्स्ट वन एनसीईआरटी, सभी के लिए कंपलसरी होगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है वो आर डी शर्मा को फॉलो कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बेसिक्स लिया हुआ है वो आर डी शर्मा को बाईपास कर सकते हैं, एंड दे शुड फॉलो द मैथमेटिक्स बाय एस चांद। अच्छी पब्लिकेशंस की बुक है, यू कैन टेक, इट्स इजली अवेलेबल ऑन एनी ऑफ मर्चेंट वेबसाइट, आप कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स शुरू करने के पहले आपको इस बात से अवेयर करा दूं कि मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, और जो क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन महीने की चीज़ है, अगर आप जस्ट एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी। नाउ क्लास टेंथ में आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और आप में से ही कई ऐसे होंगे जो क्लास इलेवेंथ में मैथमेटिक्स छोड़ देंगे, यानी यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट यू कैन मूव अवे फ्रॉम द मैथमेटिक्स। बट प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स से आप कभी दूर नहीं हो सकते। आप इसके बाद या तो पीसीएम ले सकते हैं या पीसीबी लेंगे। लेट्स से आपने बायो लिया, मैथमेटिक्स छोड़ दी, आपने कॉमर्स लिया, मैथमेटिक्स छोड़ दी। आपने कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आर्ट्स लेंगे और वो भी मैथमेटिक्स को छोड़ सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको लगभग हर स्टेज पर किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलेगा। लेट्स से आपने ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स छोड़ दी, लेकिन आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसमें मैथमेटिक्स का पेपर तो आपको देने ही होते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स को बड़े सिंसियरली अगर आप कर लें तो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए काफ़ी बेहतर है। तो रियल नंबर के कंसेप्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिवाइंड करा दूं कि अब तक आपने बचपन से क्या क्या सीखा है, क्योंकि ये सबसे छोटा क्लास है जिसमें अभी मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पीछे से शुरुआत करूँ। तो जब आप LKG UKG में 1, 2, 3 आप सीख रहे होंगे, दोज आर कॉल्ड एज ऑर्डिनल नंबर। तो बचपन में आपने सीखा था 1, 2, 3, 4, और फिर ऐसे आपने प्लस करना सीखा, माइनस करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा, तो उसे हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। तो मैं ज़रा लिख दूँ जो जो आपने अब तक पढ़े हैं, दैट इज ऑपरेटर्स, दीज आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, विच सबसे पहले आपने प्लस करना सीखा होगा, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपने डिवाइड करना सीखा है। ये चार बेसिक ऑपरेटर्स हैं मैथमेटिक्स में जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम में, कि जो कुछ नंबर्स आपने देखा है 1, 2, 3, 4, जिसे आप काउंटिंग के नाम से जानते हो, इसके बाद आपने टेबल याद किए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आपने नंबर्स के साथ अब तक काफ़ी कुछ प्ले किया है। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड प्ले। हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर, और इनफैक्ट पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को अगर देखा जाए तो इट्स बेसिकली अ गेम। हाँ, रियल नंबर को आप कह सकते हैं इट्स अ गेम ऑफ द नंबर्स। तो जितने नंबर्स आपने देखे उसको लेकर के मैं कैटेगरी बना रहा हूँ, और अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये फुल एंड फाइनल कैटेगरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स काफ़ी वास्ट भी है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और कई सारे नंबर्स ऐड होते जाएंगे। तो पहले मैं इसे हटाऊँ और मैं स्टार्ट करूँ उन नंबर्स से जो अब तक आपने पढ़े हैं। तो मैं टेबल को ऊपर से नीचे बनाना चाहता हूँ, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं इसे नीचे से ऊपर बनाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, नेचुरल नंबर। नाउ व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, मैं एग्जांपल में लिखते जाऊँ ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा, और ये इन्फाइनाइट जाएगा। इसके बाद जो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ नंबर आपने देखे हैं दैट इज कॉल्ड होल नंबर। सो होल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर में आप जीरो को ऐड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा। मीन्स कैन आई से नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज गोइंग टू गिव यू होल नंबर। है इंटीजर्स, सो व्हाट आर इंटीजर्स, लेट्स सी व्हाट आर इंटीजर्स। मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर्स।
आप अगर इंटीजर्स को देखो तो इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। इसके अलावा आप अगर इसको देखो तो इसे कहा जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो पहले मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिख दूं, से -3, -2, -1, 0, +1, +1 को 1 लिख दो तो भी चलेगा, 2, 3 एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब अगर आप यहाँ से देखें, 0 to ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड इन होल नंबर, बट व्हाट अबाउट दीज, दीज आर द नेगेटिव्स, आप कह सकते हैं द नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम लोग इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं ये होल नंबर, वैसे तो इंक्लूड होता है, आई कैन से इट हैज़ द टू पार्ट, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स राइट एंड देन पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस जीरो प्लस नेगेटिव इंटीजर्स। वेल ये मिलकर के क्या बने, ये बने इंटीजर्स राइट। तो आप शुरुआत से अगर देखें तो सबसे छोटा ग्रुप कहलाएगा नेचुरल नंबर का, उसमें आपने एक जीरो लगा दिया तो बन गया होल नंबर, और इसी होल नंबर में अगर आपने नेगेटिव वाले नंबर्स को भी रख दिए, मैं यहाँ एग्जांपल भी लिख देता हूँ, से -1, -2, -3 एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर प्लस जीरो विल बिकम द इंटीजर्स। वेल इंटीजर्स के साथ आप एक और कैटेगरी जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो कंसेप्ट आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो इंटीजर्स को आप क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रैशनल नंबर, मैं लिख दूं रैशनल नंबर, और इस रैशनल नंबर और एक सब डिविजन मैं यहां पे बना दूं इरेशनल नंबर, वी आर गोइंग टू डील विद दीज नंबर्स। तो पहले रैशनल नंबर्स में क्या इंक्लूड होंगे, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में इंक्लूड होंगे प्लस समथिंग एल्स। व्हाट इज दैट समथिंग एल्स, दैट समथिंग एल्स यू नोन एज फ्रैक्शंस राइट। तो फ्रैक्शंस और इंटीजर्स मिल करके बन गए आपके रैशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर के बियॉन्ड भी कुछ नंबर्स हैं जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद उसे देख लेंगे। ये दो नंबर मिल करके बनेंगे, मीन्स रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दो नंबर मिल करके क्या बनने वाले हैं, यही है आपके रियल नंबर। तो मैंने यहां तक तो आपको एग्जांपल दिया, फ्रैक्शन पे नहीं दिया, दे देता हूँ, से 1/2, 1/3, 1/4, 2/5 etc. are called fractions। तो ये fractions plus integers, तो ये rational numbers, आपने definition पढ़ा हुआ होगा, that is how you define the rational number, all those numbers which can be expressed in the form of p by q, where q shouldn't be equals to 0 and P and Q are going to be the co-prime। अब एक वर्ड आ गया co-prime। जरा मैं पहले आपको co-prime को भी explain कर देता हूँ। मैंने एक fraction लिया हुआ है 2/4। क्या ये co-prime है? नहीं। co-prime का मतलब होता है कि आपका numerator और denominator के बीच में सिर्फ एक ही number common हो सकता है, that is one। पर अगर आप यहाँ देखो तो 2 × 1 and 2 × 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कॉमन हो गया, 2, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन है, तो ये कोप्राइम नहीं हुए। कोप्राइम क्या होगा, आप इसको जो कैंसिल करते हो, अब ये हुआ कोप्राइम। 1 और 2 के बीच में क्या कोई नंबर कॉमन है, नहीं, हेंस दीज आर कॉल्ड कोप्राइम्स। तो रैशनल नंबर आप किसे कहते हैं, ऐसे सारे नंबर्स जो पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकें, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए एंड P एंड Q आपस में co-prime होने चाहिए, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन है इरेशनल नंबर क्या है,
वो सारे नंबर जो रैशनल नहीं हैं वो हैं इरैशनल नंबर। वेल, आपसे अगर मैं कहूँ क्लास टेंथ के बेसिस पे, यस दिस इज डन दैट वट एवर यू हैव स्टडीड, तो इरैशनल नंबर का एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, दैट इज रूट टू, रूट थ्री। नाउ यू मे फाइंड इट हार्ड एज ऑफ नाउ दैट व्हाई वी से दैट रूट टू रूट थ्री आर द इरैशनल नंबर। इस चैप्टर में यही आपको सीखना है कि हम लोग इसे इरैशनल नंबर क्यों कहते हैं, और उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉन्ट्रोडिक्शन मैथड का। व्हाट इज कॉन्ट्रोडिक्शन मैथड? वो नंबर जो रैशनल ना हो वो इरैशनल नंबर है। तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि रूट टू रैशनल नंबर नहीं है, हेंस इट इज इरैशनल नंबर। इस सारे को मिला करके बना है आपका रियल नंबर। एक और नंबर है जो मैं यहां ऐड कर दूं, दैट इज पाई, विच इज अ इरैशनल नंबर। नाउ द क्वेश्चन इज, अब तक जो आप पढ़ते आए हो, पाई इज इक्वल्स टू 22/7। अब आप कहोगे कि ये तो पी बाय क्यू का फॉर्म हो गया, प्लस ये को प्राइम भी है, लेकिन फिर भी हमें इसको इरैशनल नंबर कह रहे हैं, रैशनल कह नहीं रहे। तो बात यह है कि इरैशनल नंबर का पूरा डेफिनेशन सिर्फ इतना ही नहीं है, इरैशनल नंबर में एक और स्पेसिफिक कैटेगरी इंक्लूड होती है, दैट इज स्टार्टिंग विथ फ्रैक्शंस। जितने भी फ्रैक्शंस हैं आप उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 1/2, व्हाट इज द डेसिमल? 0.5। मैंने विलिंगली यहाँ पर 1/3 को भी ऐड किया हुआ था, क्या ये एक फ्रैक्शन है? हाँ ये फ्रैक्शन है। पर आप जरा देखिए, अगर आप 1/3 का डेसिमल लिखते हो तो 0.333, और आपने पढ़ा होगा दिस इज कॉल्ड रेकरिंग। What is recurring? Non-terminating and repeating. यहाँ आप इसका नेचर देखिए, non-terminating, 0.5, यहाँ आपका एंड हो गया, terminate हो गया, यानी आपका calculation यहाँ पे खत्म हो गया। Decimal form में जब आप इसको express करते हैं तो इसके बाद क्या? कुछ नहीं। यहाँ पर अगर आप divide करो तो 1/3, point देंगे आप 0, 3 3 9, again 9, रिमाइंडर 1, और ये चलता जाएगा, तो एंडलेस है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं एंड नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेट हो वो इधर बिलोंग करते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आप अगर 3 को देखें तो 3 रिपीट होता जा रहा है, हेंस This special fraction is called non-terminating and repeating. ऐसे numbers, ऐसे decimal fractions जो non-terminating and repeating है वो rational numbers कहलाते हैं। Let's come to 22/7. मैं चाहूँगा कि आप 22/7 को ऐसे divide करके देखिए, you are going to find it अ वेरी स्पेशल थिंग। और मैं चाहूँगा कि पाई एक ऐसा नंबर है जो हर स्टूडेंट को ट्राई करना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप सही सही डिविजन दोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा और साथ में आएगा नॉन रिपीटिंग। और ये हो गया नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ऐसे डेसिमल जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में होते हैं वो भी इरैशनल नंबर कहलाते हैं, इसलिए पाई एक इरैशनल नंबर है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेजिटेशन है तो आप कर सकते हैं इस डिवीजन को, सॉरी 7 3 21, पॉइंट लगाइए 7 1 7, 28 एंड kept on performing। आप देखोगे कि ये कहीं टर्मिनेट भी नहीं होगा और कुछ रिपीट भी नहीं होगा, और जितना चाहो आप कर लो डेसिमल के बाद, आपकी इच्छा हो 100 डिजिट तक पहुंच जाए, 200 डिजिट, 300 डिजिट, इट्स योर विलिंगनेस। आपको ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पैटर्न का ही मिलेगा, हेंस पाई इज अ इरैशनल नंबर। तो सारे रैशनल नंबर समराइज कर लेते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर के कलेक्शंस को, जैसे क्लास 11 में आप सेट भी कहेंगे।
इरेशनल नंबर क्या है? ऐसे सारे नंबर्स जो पी बाय क्यू के फॉर्म एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, प्लस जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या है? वो सारे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में तो एक्सप्रेस किए जा सके, वहाँ q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब मन में क्वेश्चन होगा कि वॉट इफ q इज इक्वल टू जीरो, तो आपने क्लासेस में देखा भी होगा 1/0। अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा इन्फेनाइट। ये डिफाइंड नहीं होता है, मैं जब कह रहा हूँ टर्म इन्फेनाइट तो ये डिफाइंड नहीं होते। डिफाइंड नहीं होते का मतलब क्या हुआ? यू कांट एबल टू प्लॉट दिस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज नंबर लाइन? ऐसा आप एक जीरो लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, आप उस पर प्लॉट नहीं कर सकते। तो रैशनल नंबर p by q के फॉर्म में तो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, जहाँ q जीरो नहीं होना चाहिए और p by q को प्राइम होना चाहिए। रैशनल नंबर कितने तरह के होते हैं? तो वी कैन से टू इंटीजर्स एंड द फ्रैक्शंस। व्हाट आर फ्रैक्शंस? मैंने आपको दिखा दिया व्हाट आर इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो आप अगर यहाँ देखो स्पेसिफिक, इसे कहेंगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अगर मैं इसको जीरो को यहाँ से मिला दूँ तो मैं कहूँगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो को मिला दीजिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और अगर आप जीरो को मिला देंगे तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। वेल, और जो आपका लास्ट कैटेगरी है, अगर आप इसमें से नेगेटिव वाले इंटीजर्स को हटा दें तो होल नंबर, जीरो हटा दीजिए नेचुरल नंबर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि दैट्स इट, क्या यही है हमारा नंबर सिस्टम या नंबर थियोरी? नहीं, ये तो हुए रियल नंबर। आप जब क्लास 11th में आओगे तो आप एक और स्पेसिफिक शॉर्ट ऑफ नंबर पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर की भी अपनी मैथमेटिक्स है। उसमें से एक स्पेशल कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने लोग आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेने वाले हो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज गोइंग टू बी द मोस्ट अवॉर्डिंग वन, अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो। अब इमेजिनरी नंबर का एक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप अगर हायर स्टडीज करते हो तो वहाँ एक हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिलता है, पर मैं चाहूँगा कि क्लास 10th में आप इतना तो नहीं पढ़े, बस नंबर्स होते हैं, मैंने आपको ये बता दिया, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। अब हमें क्लास 10th के अभी जो स्पेसिफिक सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ने हैं। पहला, यूक्लिड डिविजन लेमा। मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया हुआ है लेमा, हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड डिविजन लेमा क्या है। दूसरा, यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम। तो व्हाट इज यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेमा एंड एल्गोरिथम। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो क्या होते हैं। देन वी विल सी द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर, राइट। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर के बनेगा आपका पहला चैप्टर रियल नंबर। फाइन, सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज यूक्लिड डिविजन लेमा, पर मैं अभी इस पर आ नहीं रहा हूँ। आप अगर अपने बुक को देखोगे तो दो वर्ड है, पहला लेमा एंड दूसरा एल्गोरिथम। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लेमा और एल्गोरिथम के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। किसे कहते हैं? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट। तो जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक फॉर्म यूक्लिड डिविजन लेमा, इट इज गोइंग टू बी द प्रूवन स्टेटमेंट, और इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। व्हाट इज एल्गोरिथम? इट इज नथिंग बट सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड मैथमेटिकल स्टेप अ प्रॉब्लम। यहाँ पे एक है कि आप थोड़ा ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, इज इट ओनली द मैथमेटिकल स्टेप्स? आप अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होगे तो इस एल्गोरिथम वर्ड से आप बड़े अवेयर होंगे
क्योंकि कोई भी वेल डिफाइंड स्टेप, कोई भी सब्जेक्ट हो, वेल डिफाइंड स्टेट जो स्टेप्स होते हैं हम लोग उसको एल्गोरिथम ही कहते हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द लेमा एंड एल्गोरिथम। अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। वैसे तो यूक्लिड को उनकी ज्योमेट्री के लिए जाना जाता है, उन्होंने ज्योमेट्री को लेकर के बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट किया था, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर सिस्टम में ही है, और नंबर सिस्टम का जो उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे ही हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में ही जानते हैं। नाउ ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आप सीखने जा रहे हैं, बस कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो अब तक आप बचपन से करते आ रहे थे लेकिन आप अवेयर नहीं थे, और उसे ही आज आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के फॉर्म में देख लेंगे, एक स्टेटमेंट जो आपको ज़रूरी होगा। तो मैं आपको पहले उस नंबर्स के खेल से अवेयर करा दूं जिससे यूक्लिड डिवीजन लेमा बना हुआ है। बिफोर कमिंग टू द यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट, जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं, जरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं जो आपने पहले सीखा है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक छोटा सा आपका काउंटिंग लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 11, 12 लेकर के 20 तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वट आर दीज टू थिंग्स, क्या आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। आप कहोगे कि ये 2 का टेबल है और ये 3 का टेबल है, और सर हमें क्लास 10th में टेबल पढ़ा रहे हैं। जी नहीं, मैं आपको टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टेबल के पीछे की मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। तो चलिए, जो टेबल आपने पढ़ा है आज उसको नए तरीके से समझते हैं। आप इसको कहते हो 2 1 2, 2 2 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 12। आप अगर यहां देखो, समय आया है आपका 2, यू इंक्लूडेड 2 एवरीवेयर। यहां पे अगर आप देखो तो क्या इंक्लूड करें, इंक्लूडिंग 3 एवरीवेयर। मैं चाहता हूं कि आप जरा इस पैटर्न को याद रखिए, और आते हैं यहां पर जहां कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर आपसे मैं कहूं कि किन किन नंबर को आप ऐसे 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, आई कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 2n, यानी 2 टाइम्स ऑफ n। अब आप कहोगे व्हाट इज दिस n, तो मैं आपको याद दिला दूं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, दैट इज यहां पर n होगा नेचुरल नंबर, राइट। अगर मैं कहूं नेचुरल नंबर, तो जब मैं कह रहा 2n, मीन्स आई वॉन्ट टू से दिस 2 टाइम्स ऑफ n। सो 2 टाइम्स ऑफ n, n की वैल्यू अगर 1 है तो ये देखिए यहाँ n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो ऐसा करते हैं, अब इस टेबल से निकल करके आते हैं जो आपने ऑर्डिनल नंबर्स पढ़े हैं उसमें। इस नंबर को आप कहोगे कि हाँ ये 2n का फॉर्म है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर हो सकती है, n की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 1 होगी। क्या 3 को आप 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कह सकते, नहीं कर सकते। ये क्या है, अगर आप ये देखोगे तो ये 2 से 1 ज्यादा है, तो ये कैसा फॉर्म हुआ, 2n प्लस 1। फिर ये क्या है, 3 से 1 ज्यादा है, आप कह सकते हैं ये 2n प्लस 2। पर जरा गौर से देखिए, अगर मैं यहां पर से 2 बाहर निकाल दूं तो n प्लस 1। अगेन ये जो फॉर्म आप देख रहे हो 2 टाइम्स ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे कि तो यही फॉर्म हो गया, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, इस नंबर ने 2n का फॉर्म लिया, इसने 2n प्लस 1 का फॉर्म लिया, ये डबल टिक कर दे रहा हूँ, इसने अगर 2n का फॉर्म लिया तो इसने 2n प्लस 1 का फॉर्म लिया। अब देखिए, अगर मैं इसको देखूँ, इसमें इससे एक और ज़्यादा क्या हुआ, 5 हुए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जितने नंबर हैं इसको मैं मिटा दूँ, 2n का फॉर्म किस किस ने लिया है जो 2 के टेबल में है, 2, 4, 6, 8, ऐसे नंबर ने 2n का फॉर्म लिया, और 2n प्लस 3 का फॉर्म किस किस नंबर ने लिया है, 2n प्लस 1 का फॉर्म इसने लिया,
तो ये जो 2n का फॉर्म लिया है इसे ही आप कहते हैं इवन नंबर। और ऐसे नंबर जिसने 2n प्लस 1 का फॉर्म लिया है आप इसे ही जानते हैं ऑड नंबर के नाम से। जब देख लीजिए ये सारे इवन नंबर हैं। अब आप इवन नंबर का डेफिनेशन याद कर दीजिए, दैट इज ऑल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 और हैज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो ये सारे जो नंबर्स आप देख रहे हैं यहां सबका कॉमन मल्टीपल क्या आया हुआ है 2। दीज आर कॉल्ड इवन नंबर। और जो नंबर इवन नहीं है वो सारे ऑड हैं। जरा देखिए हर इवन नंबर के बाद एक ऑड नंबर आता है 2, इसके बाद क्या है 3, ऑड नंबर। 2 में आप कितना ऐड करेंगे तो 3 होगा 1। तो आप हर इवन नंबर में अगर ये देखिए अगर 2n इवन नंबर है तो इस 2n में 1 ऐड कर दीजिए आपको क्या मिलेगा ऑड नंबर्स मिलेंगे। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग इनटू इट। नाउ क्या जरूरी है 2n के ही फॉर्म में देखें, फिर मैंने ये 3 की टेबल क्यों लिखी हुई है। आइए देखते हैं कि क्या नंबर 3 के मल्टीपल्स का भी फॉर्म ले सकते हैं। तो आप देखोगे कि यस वी कैन। ये कौन सा फॉर्म है 3n। आपको 1 2 को मैंने छोड़ दिया, ठीक है थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं 3n। n की वैल्यू क्या हुई 1। यहां पर कैसा फॉर्म हुआ 3n प्लस 1 का फॉर्म आया, राइट। यहां आप देखिए कैसा फॉर्म आया 3n प्लस 2 का फॉर्म आया 6। अगेन कम्स एज 3n फॉर्म। इज दैट क्लियर हाउ 3n फॉर्म। यहां पर अगर आप देखो मैं इस सारे को मिटा दे रहा हूं, वी डोंट नीड दिस, आप इतने से ही इसको क्लियरली समझ सकते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2, और यहाँ क्या हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। फॉर्म तो वही है आपका 3n, दिस इज योर 3n फॉर्म, दिस इज ऑल्सो ऑफ 3n फॉर्म। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो सारे नंबर हैं अगर हम 2n के फॉर्म में देखें तो नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2n और 2n प्लस 1 फॉर्म। ये एक फॉर्म, जब हमने इसको 3n के फॉर्म में दिया तो देखिए एक 3n का फॉर्म आया, दूसरा 3n प्लस 1 का फॉर्म आया, तीसरा 3n प्लस 2 का फॉर्म आया, राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज एक डेवलप हो रहा है। अगर आप 4n के फॉर्म को देखने चाहें तो देखिए कि क्या मिलता है, आइए देखते हैं। 4n का फॉर्म अगर हमने नंबर्स में देखा तो हमें क्या मिलने को है। ये नंबर आप दोगे 4n, ये 4n से एक ज्यादा, दिस नंबर इज गोइंग टू बी 4n से दो ज्यादा, 4n से 3 ज्यादा। ये 4n से 4 ज्यादा होगा, भाई 4n से 4 ज्यादा होगा तो 4n के फॉर्म में आ जाएगा। सारे नंबर आपने किस फॉर्म में देखे यहां लिख दूं और इसके बाद मैं समराइज कर दूंगा। 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, दीज नंबर्स यूज टू टेक दीज फॉर्म्स। क्या ये खेल नहीं है? बिल्कुल यही है आपका नंबर का गेम। आप जितना बेहतर इसको खेल सकेंगे आप उतने बेहतर होते जाएंगे। नाउ अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं जो चीज मैंने अभी आपको कही है, दैट इज नंबर को टेक दीज फॉर्म्स, उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल से बड़ा क्लियर होगा कि अगर मैंने 2 के मल्टीपल पर लिया तो, 3 के मल्टीपल पर लिया तो क्या हुआ, 4 के मल्टीपल पर लिया तो क्या हुआ। आइए एक काम करते हैं, एक बड़ा नंबर पिक कर लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट डज दैट मीन। अगर मैं आपसे कहूँ लेट्स पिक एनी बिगर नंबर, लेट्स टेक इट एज 75। एक नंबर लिया मैंने 75 और मैं कुछ ऐसे वाले फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो आप 75 को कैसा 4n प्लस से r कुछ ये फॉर्म में देना चाहता हूँ। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 75 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, सो 4 वन ज़ा 4 3। नाउ इफ़ यू रिमेंबर छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा ये कहलाता है डिवाइज़र। व्हाट इज दिस डिवाइज़र? ये कहलाएगा आपका डिविडेंड।
ये कहलाएगा आपका कोशेंट, ये कहलाएगा आपका रिमाइंडर। और आपको ये अच्छे से पता होगा दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आइए देखते हैं, ये है मेरा 75 डिविडेंड, डिवाइजर कितना आपका 4, क्वेश्चन कितना आया है 8, 18 फॉर द 72, रिमाइंडर कितना आया है 3। तो हमने कहा कि 75 को हाँ कौन सा फॉर्म लिया है, 4n प्लस, कैसा फॉर्म आया 4n प्लस 3 का फॉर्म आया इज दिस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 75 को मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो दरअसल इसी फॉर्म की बात करता है जिसे आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के नाम से जानते हो। दरअसल सच्चाई ये है कि ये जो फॉर्मूला आप अब तक पढ़ते आए हैं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही डिराइव्ड है, राइट। तो जितने भी नंबर हैं वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो आप पहले से जानते हैं। क्या आप इस चीज़ से अग्री करेंगे कि जो भी रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, राइट। और अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो एक काम करते हैं, एक ज़ीरो लाके भी देख लेते हैं। लेट्स से कि मैंने नंबर लिया हुआ है 72 और इसे डिवाइड किया है 4 से, सो 4 वन ज़ा 4, 4 एट ज़ा 32। अब रिमाइंडर कितना है ज़ीरो। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो आप क्या कहोगे, ये जो नंबर 72 है इट इज़ डिविजिबल बाय 4 और 4 इज़ द मल्टीपल ऑफ 72, यानी 4 72 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। जब टर्म आप इस्तेमाल करते हैं कम्प्लीटली डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कम्प्लीटली डिवाइड करना यानी रिमाइंडर क्या होगा ज़ीरो। आप अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो मैं अगर आपसे कहूँ If a number divided by 4, then remainder is, 4 से तो कम होने चाहिए, 4 तो हो नहीं सकता, 0। अगर 0 remainder है तो completely divisible है, या फिर 1, या फिर 2, या फिर 3, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं, 3 से ज़्यादा हो गए मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है इसी चीज़ को समराइज करके आपको मिलेगा द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेट्स सी, वेल तो ये रहा आपके एनसीईआरटी बुक का सो कॉल्ड डेफिनेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट इज द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ए एंड बी आर द टू इंटीजर्स, मैं पिछले एग्जाम्पल से ही आपको एक्सप्लेन करूँ। मैंने आपसे कहा था 75 और दूसरा इंटीजर मैंने आपको दिया हुआ था 4। तो अगर क्या ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हाँ, जस्ट आपको डेफिनेशंस बताया गया है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तो जरा उस कैलकुलेशन को मैं एक बार फिर कर दूँ। वाई यहाँ पर अगर आप देखें, सो कैन आई से पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर कर लिया है 75 एंड 4, ए एंड बी, क्या हम ए को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा आपका फॉर्म, इसे आप डिविडेंड के नाम से जानते हैं, ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये आपका डिवाइजर हुआ, ये आपका रिमाइंडर हुआ, और रिमाइंडर हमेशा आपका डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए, आप अगर यहाँ देखोगे व्हाट इज आर रिमाइंडर, R is remainder. Remainder must be, यह remainder है आपका 3. It must be less than 4. ये जो आप inequality देख रहे हैं, ये आप class 11th में सीखोगे। यहाँ पर अगर आप देखो, तो अगर मैं कहूँ इसे A, what is A? 75. What is B? I can say 4. तो
आपका क्वेश्चन क्या हुआ 18 प्लस ये देखिए एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है प्लस रिमाइंडर दैट इज आर कैन आई से ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यही तो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहा है यानी अगर आप किसी एक पॉजिटिव नंबर को किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा और ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर ये यूनिक है हर दिए हुए दो नंबर के लिए यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने इसको नाम दिया लेमा Why? Because it is observed. ये proved है देखिए proved के लिए है आप कुछ books को देखोगे That is going to give you a proof. But वो एक proof को लेकर के दूसरे से किया गया है और क्योंकि NCERT ने इसको बहुत focus नहीं किया है तो we don't need. मैंने आपको observe करवा दिया कि क्यों ये सही है Right? तो मैं चाहूँगा कि आप statement को याद रखिए अगर आपके पास दो positive number हैं तो वो आपको इस form में आप उसे represent कर सकते हैं अब है कि भाई आप तो ये पहले से पढ़ते आ रहे थे मैं सही हूँ या नहीं मैं सही हूँ डिवीजन आपने बड़े छोटे क्लास से किया था सही है आपने किया था बस देखने का एक नया तरीका आपने क्लास टेंथ में सीखा है इस दिस प्लस ये रिमाइंडर भी डिवाइजर से छोटा होता है ये भी आप छोटे क्लास से अवेयर हैं बस ये आपको बता दिया गया कि ये जो चीज़ें आपने अब तक सीखी है लिक्विड डिवीजन लेमा का ही एक पार्ट है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द नंबर थियोरी अब आते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर अभी नहीं आ रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही इस्तेमाल करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बना हुआ है और जो मेन जो आप यूज़ देखोगे दैट इज पहला डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं इफ आई एम सेइंग that a is divisible by b if I am saying a is divisible by b इसका मतलब रिमाइंडर कितना हुआ जीरो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर a b से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितने होने चाहिए जीरो होने चाहिए ये भी इसका एक फॉर्म है सेकेंड इज टू फाइंड हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जो पता करने के लिए हम लोग करेंगे थर्ड जिसका इस्तेमाल होता है फॉर्म ऑफ नंबर्स इन्हीं तीन चीज़ों के साथ आपको डील करना है हाँ जब मैं कह रहा हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है हम लोग इस में कई सारे वर्ड प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर को भी देखेंगे तो अब मैं सबसे पहले इन तीन चीज़ों को डील करने के पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम मीन्स द स्टेप्स टू फाइंड आउट दीज थ्री गिवन स्टेटमेंट कि किसे हम कैसे पता करेंगे तो मैं अभी आपको दिखाऊं कि कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसी वेल डिफाइंड स्टेट को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का नाम देते हैं सो लेट्स सी दैट हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है 455 एंड 42 का एक काम करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ उस कॉमन वे से जैसे अब तक आप करते आए हो दैट इज द डिवीजन मेथड आप 455 को ऐसे करते थे So you solve it in this way और आपने ऐसा कहा कि the highest common factor is 7 here यहाँ आपने क्या किया आपका जो divisor था पहले वो आपने क्या बना दिया dividend फिर next जो आपका divisor यहाँ देखा आपने फिर से आपने इसको क्या बनाया dividend और जहाँ पर आपका remainder zero हुआ है उस divisor को आपने कहा है highest common factor तो आइए दरअसल ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ये भी आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही आया हुआ है तो इसे देखते हैं सो लेट्स सी दैट
दिस इज द नंबर ए, दिस इज द नंबर बी, जो मैंने यहाँ लिया हुआ है। अच्छा, ये एक क्लियरली अंडरस्टूड चीज़ें हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए ए इज ऑलवेज गोइंग टू बी द ग्रेटर नंबर देन बी, तो इसलिए मैंने बड़े नंबर को माना है ए। सो कैन आई राइट 455 इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप देखोगे 455 इज इक्वल्स टू व्हाट इज योर बी हियर 42 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज क्यूब 10, आप देख सकते हैं रिमाइंडर क्या बचा था आपका 35। तो ये नंबर था ए और ये नंबर आपने क्या लिया बी। नेक्स्ट जो आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अगर इसको देखोगे तो ये क्यू प्लस से दिस क्यू वन आर वन का मैंने नाम दे दिया, एम आई राइट? सो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वन एज सेट बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये हमारा हुआ पहला स्टेप। क्या मेरा आर वन का वैल्यू जीरो है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है दैट अगर ये आर वन जीरो होता तो बी होता हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, पर अगर ऐसा नहीं है If it is not so, then perform this operation that is between what number? B and R1. So B is equals to 42, that is equals to 35 multiplied by how much? 1, see this, plus remainder kitna bacha tha? 7, right? So I can write this that this 42 is nothing but B, which is equals to I can give any other name, जहाँ पर आप अगर देखोगे तो से मैं नाम दे दे रहा हूँ से बी वन, इसका नाम दे रहा हूँ क्यू टू प्लस आर टू। तो मैंने बी और आर वन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया हुआ है, सॉरी इसको आर वन है तो इसको आर वन ही लिख दे रहा हूँ, दैट इज आर वन, राइट? What is going to be the next step? Next step में अगर आप देखोगे तो इसके और इसके ऊपर आपको operations perform करने होंगे। So I can say this 35, मैं यहाँ mark out कर दूँ, that is this। अब इसके ऊपर क्यों? क्योंकि R1 की value zero नहीं है। This 35 is equals to that is 7, which is B, मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज द कोशेंट एंड रिमाइंडर इज 0। अगर ऐसा है तो आपका जो डिवाइजर ये है ये क्या कहला रहा है? हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स आपको इस ऑपरेशन को कब तक परफॉर्म करना है? जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जहाँ 0 होगा वहाँ पर आपको मिलेगा अपना हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इस्तेमाल करना है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप अपने बुक में देख सकते हैं दैट इज स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। आपको ये प्रूव करना है। रिमेंबर यहाँ आपसे कहा गया है द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, पर जब आपको यहाँ 3m और 3m प्लस 1 दे दिया है तो यानी आपके पास एक हिंट मौजूद है कि आप किसी भी नंबर को किस फॉर्म में ले सकते हैं। तो एनी नंबर आई कैन टेक आइदर 3 क्यूब। तो अगर मैं यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊँ ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, राइट? और मैंने बी की वैल्यू क्या ली है? 3 ली है। इफ बी इज 3, आई एम सेइंग इफ बी इज 3 आर इज गोइंग टू बी 0 1 2, राइट? जैसा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 0, 0 को हटा देता हूँ, 3 क्यूब प्लस 1 एंड 3 क्यूब प्लस 2, एम आई राइट? तो जितने भी नंबर्स आप देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? आपको बी की वैल्यू लेनी है 3 और उसके बाद 3 केस बनेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेक द केस 1 एंड मैं लेने जा रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू 3 क्यूब, राइट? फर्स्ट केस ले लेते हैं। अब आपसे कहा गया था स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इफ ए इज अ नंबर द स्क्वायर इज दैट इज ए स्क्वायर इज 3 क्यू होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज 9 क्यू स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ?
बिल्कुल लिख सकता हूँ। किस फॉर्म में आया? ये आया मेरा 3m का फॉर्म, राइट। सो द स्क्वायर ऑफ द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, ये मैंने यहाँ प्रूफ किया। सेकेंड केस ये लेना है, थर्ड केस ही लेना है। सेकेंड केस ले लेते हैं पहले, दैट इज द केस टू। ए इज इक्वल टू आप क्या लोगे? 3q+1। नाउ अगेन स्क्वायर द नंबर, सो 3q+1 होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ स्क्वायर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 times of AB + 1 square। उम्मीद है आपको ये अलजेब्रा क्लियर होगा। दैट इज गोइंग टू बी 9q² + 6q + 1, राइट। नाउ लुक एट दिस, क्या इस दोनों में से भी 3 कॉमन आ सकता है? हाँ आ सकता है। दैट इज 3q² + 2q + 1, ये रहा। नाउ हियर आई एम सेइंग दैट दिस इज द इंटीजर, दैट इज द m। यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू अलग होगी लेकिन होगी तो इंटीजर ही। ये भी कैसा फॉर्म आया? 3m+1 का फॉर्म आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो m यहाँ पर m इज इक्वल टू 3q² आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज इक्वल, आई एम सेइंग m इज एनी इंटीजर। वो इंटीजर यहाँ अलग है यहाँ अलग है लेकिन फॉर्म तो 3m+1 का है। तो हम कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3m+1। थर्ड केस लेते हैं, दैट इज 3q+1। सो केस 3, इफ आई एम टेकिंग ए इज इक्वल्स टू 3q+2, अगेन स्क्वायर कीजिए, 3q+2 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3q² + 2 times of 3q + 2 square, दैट इज 9q² + 12q + 4, राइट, इट इज 4। नाउ आप अगर यहां पर देखो तो मैं इसे रीराइट करता हूं। कैसे रीराइट करो? मैं ऐसे रीराइट करता हूँ, 9q² + 12q + 3+1। मैंने इस 4 को कैसे लिखा है? 3+1 के फॉर्म में लिखा। आई हैव एन ऑब्जेक्टिव। आप अगर इस 3 टर्म को एक साथ लो तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3q² + 4q + 1+1। अब अगर q कोई भी इंटीजर्स है तो ये भी एक इंटीजर होगा, तो कौन सा फॉर्म आया आपका? 3m+1। तो जब हम इसको 3q+2 का फॉर्म देते हैं तो बेसिकली वो क्या डिराइव हो रहा है? 3m+1 का ही फॉर्म डिराइव होता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है? या तो 3m के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है या फिर 3m+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। दिस क्वेश्चन यूज टू कम इन 4 marks। देखिए ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, मोस्टली ये 4 marks क्वेश्चन होता है या 3 marks होगा, ठीक तो मुझे याद नहीं है, 3-4 marks क्वेश्चन होते हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है। इसके साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि वो स्टूडेंट जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बेसिक्स ही सॉल्व कर रहे हैं वो एक्सरसाइज करेंगे 1.1। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा आरडी शर्मा के, वो वीडियो छोटा होगा और इसके बाद हम लोग देखेंगे द फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक। मीनवाइल इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो एंड इंटरेस्टेड फॉर 1-to-1 डाउट इंट्रैक्शंस, दे कैन डाउनलोड आर मोबाइल ऐप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने आप को एज ए स्टूडेंट रजिस्टर कीजिए एंड देन यू विल बी अलॉटेड विद अ सूटेबल बैच, दैट्स अ पेड सर्विस, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी द पेड वन। और मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।